इलॉन मस्क और उनकी कंपनीज ऑन रोड व्हीकल्स और स्पेस इंडस्ट्री में हमारे सामने मोस्ट इनोवेटिव आइडियाज लेकर आए हैं। इस बिलियनर जीनियस की नज़र नॉट ओनली स्पेस या फिर कार्स में इनोवेशन लाने की है, बट एयर ट्रांसपोर्टेशन में भी कुछ यूनिक करने का है। काफ़ी ज़्यादा समय से एविएशन वर्ल्ड में ना के बराबर ही कोई प्रोग्रेस हुई है। इसका कारण ये नहीं कि हम ह्यूमंस के पास कोई न्यू आइडिया नहीं है, बल्कि इस तरह की न्यू टेक्नोलॉजी नेचर और इकोनॉमी की सस्टेनेबिलिटी को काफ़ी यूनिक तरह से इफेक्ट कर सकते हैं। बट क्या इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी से उड़ने वाले प्लेन्स हो सकते हैं? देखना यह है कि टेस्ला अपने नए प्रोजेक्ट को कैसे सक्सेसफुल बनाता है। एंड ये तो क्लियर है कि मस्क अपनी इलेक्ट्रिक कार्स के एम्बिशन को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं। बट क्या ये कॉन्फिडेंस टेस्ला प्लेन्स के आइडिया में भी अच्छे रिजल्ट शो करेगा? क्या टेस्ला प्लेन्स आज के एरोप्लेन से बेटर होंगे? वेल, अभी तक एविएशन इंडस्ट्री में किसी तरह के डेवलपमेंट का ना होने का रीज़न है इस इंडस्ट्री से जुड़ी प्रॉब्लम्स, जिसे इलॉन मस्क की विजन में सॉल्व करना काफ़ी ईजी है। एंड साथ ही टेस्ला कार्स में यूज़ की गई टेक्नोलॉजी भी इस तरह के फ्यूचर प्लान को बिल्ड करना ईजी बना देगी। बट एयर ट्रांसपोर्टेशन में रिवॉल्यूशन लाने का टेस्ला की क्या प्लानिंग है? टेस्ला ने सड़क पर चलने वाली जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां बनाई हैं उनकी हज़ारों वीडियोस आपको ऑनलाइन मिलेंगी, बट ऐसा टेस्ला के इलेक्ट्रॉनिक प्लेन्स के साथ नहीं है। ऐसा लगता है कि जो प्लेन टेस्ला बनाने की सोच रहा है उसमें अभी भी काफ़ी समय लगेगा, जिसका वेट करना हम सभी के लिए और प्लैनेट अर्थ के लिए मुश्किल होता जा रहा है। बट इस तरह की इमेजिनेशन को रियल बनने में टाइम ज़रूर लगता है, जो टेस्ला के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी रियल बनने में लगा। इसलिए वन ऑफ अ काइंड इलेक्ट्रिसिटी से उड़ने वाले प्लेन का वेट करना पूरी तरह से एक्सेप्टेबल है। इवन इलॉन मस्क ने खुद ही कहा है कि वो काफ़ी जल्द एक एफिशिएंट प्लेन को बनाने की सोच रहे हैं, जैसे कि हम सब इस इंटरव्यू में सुन सकते हैं। Well, I mean, the exciting thing to do would be some sort of electric vertical takeoff and landing, supersonic jet of some kind. Vertical takeoff and landing meaning no need for a runway, just shoot up straight in the air and then. So, इंटरव्यू में कही गई बातों से ऐसा लगता है कि इलॉन मस्क VTOL प्लेन मीनिंग वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग वाला इलेक्ट्रिक प्लेन बनाने के बारे में पहले से ही सोच रहे थे। एंड इलॉन मस्क ने इंटरव्यू में ये भी रिवील किया है कि वो टेस्ला प्लेन को सुपरसोनिक जेट बनाना चाहते हैं। लेकिन इस तरह के जेट प्लेन की परफॉर्मेंस कैसी होगी? क्या टेस्ला प्लेन भी टेस्ला कार्स की तरह फास्ट एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा? मे बी वर्ल्ड के रिचेस्ट एंड बिलर्ड बिलियनर ने इस क्वेश्चन पर अभी के लिए ध्यान नहीं दिया है, या फिर इस क्वेश्चन का आंसर इलॉन मस्क ने पब्लिकली अनाउंस करना इंपॉर्टेंट नहीं समझा, बिकॉज रिसेंटली वर्ल्ड की काफ़ी कंट्रीज इलॉन मस्क के आइडियाज़ को कॉपी करने में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। परफॉर्मेंस के साथ साथ इस प्रोजेक्ट में होने वाली प्रॉब्लम्स और डेवलपमेंट को देखते हुए टेस्ला इस प्रोजेक्ट पर काफ़ी फोकस कर रहा है। एंड इलॉन मस्क ने बताया कि उनके लिए इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में आने वाली प्रॉब्लम्स इस प्रोजेक्ट की एफिशिएंसी एंड इस प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल में आने वाले अदर रिसोर्सेज हैं। टेस्ला अपनी कार्स की तरह ही इस प्लेन को एक फुल कैपेसिटी वाला प्लेन बनाना चाहती है, बट अभी के लिए कार्स बनाने वाली कंपनीज लाइक टेस्ला और हुंडई ने 3-4 पैसेंजर वाली गाड़ी के प्रोटोटाइप्स के लिए पेटेंट भर दिए हैं, जो फ्यूचर में बाय रोड नहीं बल्कि बाय एयर लोगों को उनकी डेस्टिनेशन पर ले जाएंगे। टेस्ला के अलावा ये कंपनी भी न्यू एंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है, जो कि टेस्ला को स्ट्रॉन्ग कंपटीशन दे सकती है। इसलिए ये टेस्ला पर डिपेंड करता है कि वो अदर कंपनीज को अपनी इनोवेशन के बेस्ट रिजल्ट से कैसे पीछे छोड़ते हैं। क्या एक इलेक्ट्रिकल प्लेन अभी के एयरप्लेन से बेटर प्रूव हो सकता है? वेल, मे बी, बट जो प्रॉब्लम हमें अभी के एयरप्लेन से है वो कोई इनोवेशन से जुड़ी प्रॉब्लम नहीं, बल्कि ऐसे प्लेन्स की प्रैक्टिकलिटी एंड इनके एक्सपेंसिव से है जो इन्हें यूजफुल बनाए रखने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये सुपरसोनिक एयरप्लेन जब ये 80 के दशक में आया था तब न्यूयॉर्क से लंदन जाने में इस प्लेन को 3.5 आवर्स लगते थे, पर इसके बावजूद भी इसमें बहुत सी खामियां थीं। एक तो इसमें फ्यूल का एक्सपेंस बहुत ज़्यादा था और इसके इंजन से निकलने वाले गैसेज एटमोसफेयर में ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा रही थी। साथ ही इस प्लेन के इंजन से काफ़ी शोर आता था, इवन इस प्लेन से क्रिएट होने वाले नॉइज साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा फास्ट था, इसलिए टेक ऑफ और लैंडिंग के समय भी इस प्लेन पर काफ़ी ध्यान रखना पड़ता था। इस वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स के कारण इस प्लेन को फ्यूचर में यूज़ नहीं किया गया, जिसके बाद से ही एविएशन इंडस्ट्री में ना के बराबर इनोवेशन आई है। इसलिए इलेक्ट्रिक प्लेन के बाद एविएशन इंडस्ट्री में किसी इम्प्रूवमेंट की उम्मीद की जा सकती है। एंड यदि हमें एयर ट्रैवल की लिमिट को इंक्रीज करना है तो हमें अब इलेक्ट्रिक प्लेन्स पर फोकस करना शुरू करना होगा। इवन बैटरी से उड़ने वाले इलेक्ट्रिक प्लेन्स को बनाना अभी के प्लेन्स को बनाने से लेस एक्सपेंसिव होगा और इनकी मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट भी दूसरे ट्रेडिशनल प्लेन्स की कंपैरिजन में काफ़ी कम होगी। मिस्टर स्टार्क इलेक्ट्रिक प्लेन्स का टेक ऑफ ऐसा रखना चाहते हैं जिसमें रनवे का कम से कम स्पेस इस्तेमाल हो, बस एयरप्लेन ड्रोन की तरह टेक ऑफ करते ही अपनी फ्लाइट पाथ पर ट्रैवल करना शुरू कर दे।
विच इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। ऊपर लगने वाले फोर्स को कई प्रोपेलर्स में बांटा जा सकता है, जिसकी वजह से टेक ऑफ करते समय प्लेन से आने वाली आवाज कम हो जाएगी। एंड एक 400 वॉट आवर्स पर किलोग्राम की बैटरी ऐसा इजीली कर सकती है, जिसकी डेवलपमेंट पर अभी भी काम चल रहा है। इसलिए इस तरह की बैटरी को डेवलप करने के लिए एंड अपनी कार्स को और एफिशिएंट और फास्ट बनाने के लिए टेस्ला अपनी बैटरीज की कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए अभी से काम कर रही है। आज के कन्वेंशनल एयरप्लेन से हटकर टेस्ला जो नए इलेक्ट्रिक प्लेन्स बनाएगा वो सुपरसोनिक होंगे और उनमें अभी के प्लेन्स में आने वाली प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। इवन ट्रांसपोर्टेशन भी ज़्यादा तेजी से होगी और ट्रैवल टाइम भी 50% शॉर्ट हो जाएगा। जब हम टेस्ला के प्लेन्स की बात करते हैं तब हम नज़र आने वाली सभी प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की इनोवेशन को रियलिटी में चेंज करने के लिए टेस्ला किसी भी कंडीशन में इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड कर लेगी। इवन एलन मस्क ने भी कई बार कहा है कि इलेक्ट्रिक प्लेन के सक्सेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बैटरी हो सकती है। चाहे बैटरी कितनी भी पावरफुल हो, पर एक लिमिट तक ही किसी बैटरी में एनर्जी स्टोर की जा सकती है, जबकि फ्यूल को आसानी से और जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। बट इलेक्ट्रिसिटी और बैटरी से उड़ने वाले प्लेन्स में ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। टेस्ला प्लेन्स में यूज़ की जाने वाली बैटरीज की कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए काम कर रही है। एंड अकॉर्डिंग टू मस्क, पॉसिबल है कि आने वाले कुछ ईयर्स में इलेक्ट्रिक प्लेन्स में लगाई जाने वाली बैटरीज को इम्प्रूव किया जाए। एंड टेस्ला कार्स जैसे टेस्ला चार्जिंग स्टेशन पर बैटरीज को चार्ज करने के लिए रुकती हैं, वैसे ही ईवी प्लेन्स को भी लंबे ट्रैवल के दौरान पिट स्टॉप्स पर रुकना पड़ेगा। लकीली दूसरी कंपनीज इन बैटरीज को साइज में छोटा रखते हुए इन बैटरीज की एफिशिएंसी को बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। एंड जो लोग टेस्ला इलेक्ट्रिक प्लेन्स का वेट कर रहे हैं उनके लिए ये बात काफ़ी अच्छी है। बट इन कंपनियों को इस तरह की इनोवेशन के लिए ओनली बैटरी प्रॉब्लम ही फेस नहीं करनी पड़ रही, बट साथ ही इस तरह के प्लेन्स की सेफ्टी भी एक बड़ा कंसर्निंग पॉइंट है, जिसे इग्नोर करना इज़ नॉट एन ऑप्शन। एक ऑर्डिनरी प्लेन के फ्यूल टैंक को सेफ रखने के लिए बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, और अगर इस तरह के प्लेन्स के फ्यूल टैंक में कोई इशू होता है तो उन्हें तुरंत सॉल्व कर दिया जाता है। लेकिन इलेक्ट्रिक प्लेन्स की प्लानिंग और डेवलपमेंट अभी भी इनिशियल फेजेस में है, जिसमें अभी भी इतनी रिसर्च नहीं हो पाई है कि अगर बैटरी में कोई प्रॉब्लम आए तो उसे तुरंत कैसे ठीक किया जाए। यहाँ तक कि एक ऑर्डिनरी प्लेन की फ्यूल पाइप्स को रेगुलर चेक करना एंड मेंटेन करना किसी इलेक्ट्रिक बैटरी के मेंटेनेंस एंड चेकिंग से भी ज़्यादा महंगा पड़ता है। एंड यदि किसी नॉर्मल प्लेन के टेक ऑफ या फिर लैंडिंग के समय अगर फ्यूल की वजह से कोई प्रॉब्लम नोटिस की जाती है तो फ्लाइट के बीच में ही प्लेन में से फ्यूल को रिमूव किया जा सकता है, ताकि डैमेज को कम से कम किया जा सके। बट किसी ईवी प्लेन की बैटरी में अगर आग लग जाए तो आप फ्लाइट से बाहर नहीं निकल सकते और ना ही बैटरी को प्लेन से रिमूव कर सकते हैं। क्या टेस्ला इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड कर सकती है? जैसा कि हम जानते हैं, सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होता है, बस देर है तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड करने की। एंड जब तक हमारे पास टाइम है, हम ह्यूमंस किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स का सिंपल और एफिशिएंट सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। एंड इस चीज़ की उम्मीद टेस्ला से करना पूरी तरह से वर्थ इट है। एंड आज की टेक्नोलॉजी की हेल्प से सुपरसोनिक जेट्स के कारण हमें ये तो पता है कि वर्टिकल टेक ऑफ पॉसिबल है। एंड टेस्ला कार्स की तरह ही सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लिमिटेड टाइम में लिमिटेड डिस्टेंस ही कवर करते हैं, जैसे कि लेस देन 40 किलोमीटर पर आवर। क्या आपको भी ये स्टेटमेंट सुनी हुई सी लगती है? ऑफकोर्स, जब इलेक्ट्रिक कार शुरुआत में स्लो स्पीड और कम माइलेज पर चलती थी तो ठीक ऐसा ही लोग उनके बारे में कहते थे, जैसा हम सभी एक ई रिक्शा के बारे में कहते हैं। लेकिन टेस्ला ने उनमें चेंजेस लाकर ऑटोमोबाइल्स की दुनिया ही बदल दी, और ऐसा ही एयरप्लेन्स के लिए भी किया जा सकता है। और एलन मस्क ने यह भी कहा है कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो अपनी टेस्ला कंपनी और स्पेसएक्स के एरो इंजीनियर्स को इस तरह के इलेक्ट्रिक प्लेन को डेवलप करने के लिए काम पर लगा सकते हैं, जो इस तरह की इनोवेशन और डेवलपमेंट में इलेक्ट्रिक प्लेन्स के लिए ज़रूरी इंफॉर्मेशन सोर्सेज भी प्रोवाइड करेगा, जो कोई दूसरी कंपनी नहीं कर सकती। हालांकि बैटरीज को और भी एफिशिएंट बनाने पर एवरीडे काम किया जा रहा है, जो सिर्फ इलेक्ट्रिक प्लेन्स के लिए ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत को पूरा करेंगे, जिन्हें फ्यूचर में भी और एफिशिएंट बनाना पॉसिबल है। और जब बैटरी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक प्लेन्स की फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट और सर्टिफिकेशन के मिलने की ही देर होगी, जिसके बाद इस तरह के प्लेन्स को एवरीडे उड़ता देखना एक नॉर्मल चीज होगी। जस्ट इमेजिन, टाइम के साथ साथ कंप्यूटर्स में कितनी इम्प्रूवमेंट आई है। 80s के कंप्यूटर बहुत ही बड़े और लेस पावरफुल हुआ करते थे, बट अब ये कंप्यूटर्स मैकबुक के फॉर्म में इतने स्लीक हो चुके हैं और पुराने कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में इनकी पावर का भी कोई जवाब नहीं। इसी तरह बस कुछ ही टाइम की बात है जब हम कुछ ऐसी ही इनोवेशन इलेक्ट्रिक बैटरीज में भी देखेंगे। इवन टेस्ला चार्जिंग के लिए एक अल्टरनेटिव पावर सोर्स का भी इंतजाम कर रही है, जिससे प्लेन की बैटरी जमीन पर आए बिना ही फ्लाइट के दौरान हवा में ही चार्ज हो सके। नाउ टर्न है टेस्ला के इलेक्ट्रिक प्लेन्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करने की, जैसे कि इस तरह के प्लेन का रियलिटी में चेंज होना कितना पॉसिबल है और टेस्ला ऐसा रियल में करने वाली है या नहीं।
वेल, इस तरह की टेक्नोलॉजी अभी भी डेवलपमेंट फेजेस में है, इसलिए इस तरह की टेक्नोलॉजी को रियल बनाने में अभी भी टाइम है। बट जितना इंटरेस्ट इलॉन मस्क इस प्लेन में शो कर रहे हैं, उस हिसाब से वो दिन ज़्यादा दूर नहीं। बट इलॉन मस्क के अकॉर्डिंग वो अभी इस तरह की किसी भी टेक्नोलॉजी पर फोकस नहीं कर रहे, बिकॉज उनके पास ऑलरेडी बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर उन्हें 24 आवर्स फोकस करना पड़ता है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है 2026 तक मंगल ग्रह पर ह्यूमन सिविलाइजेशन को रियल बनाना, जो अगेन काफ़ी चैलेंजिंग है। एंड लकी फॉर यू, हमने इस टॉपिक को अपनी रीसेंट वीडियो में कम्प्लीटली कवर किया है। सो यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो वीडियो का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बैक टू द वीडियो, रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग आने वाले 3 से 4 साल में बैटरीज काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट बन जाएंगी, जो मे बी इलेक्ट्रिक प्लेन के रियलिटी में चेंज होने का टाइम हो। एंड इलॉन मस्क का ट्वीट इस बात को कंफर्म करने के साथ साथ उसकी पॉसिबिलिटी भी शो करता है। सो ओवरऑल बैटरी एफिशिएंसी के 3 to 4 ईयर्स, इस तरह के प्लेन का ब्लूप्रिंट रेडी करने में लगने वाला 2 से 3 साल, और टेस्ट एंड इस प्लेन को कमर्शियल बनने में 2 ईयर्स के टाइम के बाद इस तरह के प्लेन के रियलिटी में चेंज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। बट इस तरह की टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक प्लेन के डेवलपमेंट के बाद हमें थोड़ा और वेट करना पड़ सकता है, जो कि ऑप्शनल है, बिकॉज इस तरह के प्लेन में ट्रैवल करना शुरुआती टाइम में बिल्कुल भी चीप नहीं होगा। सो 1-2 और साल वेट करना कुछ पैसों को सेव करने के लिए बुरा नहीं है, स्पेशली अगर टेस्ला वीटोल एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जैसी इंडियन कंपनीज से टाई अप करता है, तो वेरी सून फ्यूचर में हमारी कंट्रीज को भी इस तरह के प्लेन से बेनिफिट होगा, जो हमारी कंट्री में एयर ट्रैवल के प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप कर देगा। सो आपका क्या ओपिनियन है ऐसे इलेक्ट्रिक प्लेन के बारे में? एंड यदि ऐसा प्लेन अभी अवेलेबल होता तो आप कहाँ ट्रैवल करना प्रीफर करते? डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन डाउन बिलो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अंटिल नेक्स्ट टाइम।